सबसे ज़्यादा यही फिक्र होती है कि उसके बच्चों की खुशी क्या है, और जब मेरे बच्चे खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग बस मेरे बच्चों के लिए दुआ किया। मेरे बच्चे आ गए, आ गए, क्या लेकर आए हो? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक हो, और ईद का थर्ड डे है, और थर्ड डे जो है वो मैं अम्मी के घर जाती हूँ अपने बच्चों के साथ, और ये बच्चे तैयार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने ईद मुबारक भी नहीं कहा था ना? ईद मुबारक। हाँ, और शिजू देखे नाराज़ होके बैठी हुई है। तो अभी अम्मी के घर हम जा रहे हैं, बस सब रेडी हो चुके हैं, हम बस निकलने की तैयारी है। ये देखें शिजा कितनी प्यारी लग रही है। फुल ड्रेसिंग दिखाओ अपनी, यहाँ पर आओ। ये वही ड्रेस हैं जो मैंने आपको बताए थे सुभान और यासीन के, और शिजा जो है वो रो रही है, तो इस अम्मी के घर जाकर ही दिखाओ। अरीज, ऐसे करो, हाय करो। इन तीनों के ड्रेस सेम है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। तो अम्मी के घर में आ गई हूँ, और खाना वगैरह हमने खा लिया है, और बच्चे थोड़ा सा मामू के साथ बाहर घूमने के लिए गए हैं अपने, तो बच्चों को वो ले गए हैं। भाई जो है वो बच्चे बोर हो रहे थे घर पे, ईद का दिन सारा उन्होंने घर पे ही गुजारा, तो आज कह रहे थे कि मम्मा हमें मामू के साथ जाना है, तो वो मामू उनको थोड़ा सा आउटिंग पर लेकर गए हैं। तो देखें बच्चे कितनी देर में आते हैं, और तो मैं जब तक आपको अम्मी का घर दिखाती हूँ। एक ये रूम है अम्मी का, ये जहाँ पर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ये अम्मी का रूम है। अच्छा, मेरा एक ही भाई है, तो अब तक उसकी शादी तो नहीं हुई है, तो इस वजह से घर जो है वो सिर्फ अम्मी के अंडर में होता है, और भाई होते हैं तो खाली खाली है। और अभी घर जो है वो भाई की शादी के लिए अम्मी ने कलर वगैरह कराना है। अभी अम्मी का घर ना ये देखें, ये सारा सेम हो रहा है ना, ख़राब हो रहा है। घर अम्मी का अच्छा है, पर सेम वगैरह हो रहा है। और ये यहाँ से हम रूम से निकले तो ये मेरी अम्मी का किचन है, ये सहन में ही है। अच्छा, मैं आपको एंट्रेंस बताती हूँ। ये गेट है, यहाँ से हम एंटर होते हैं, और ये एक रूम था जो मैंने आपको बताया, और ये अम्मी का किचन। ठीक है, ये बराबर में यहाँ फ्रिज है, एक ये रूम है, ये देखिए, ये सामने मैं खड़ी हुई हूँ, अच्छा मुझे इस तरह मिरर में वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं बहुत, ये देखें अभी भी मुझसे बिल्कुल नहीं बनती इस तरह मिरर में वीडियो, पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं। अच्छा, ये रूम है जहाँ जो शादी से पहले मेरे पास था और मेरी सिस्टर के पास था, मैं और मेरी सिस्टर जो है वो ये इस रूम को शेयर किया करते थे, ये हमारा ही हुआ करता था। अब जो है यहाँ पर भाई सोता है, भाई क्या, अम्मी और भाई ही हैं पूरे घर में। ये मेरी सिस्टर का बैग है, देखें, आई भी है मेरी सिस्टर, पर वो वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, कितनी मर्तबा उसे मैंने कहा है, पर अब वो वीडियो में नहीं आती है, शर्मा रही है शायद। ये मेरी सिस्टर का बैग है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, और देखें बहनों की आदत होती है ना बहनों के पर्स को चेक करना, तो बस मैं उसका बैग चेक करने लगी हूँ। एक ये रूम है, पर यहाँ पर तो फैन ऑन है, तो बड़ी डिस्टर्बेंस होगी आपको। ये छोटी अरीज सो रही है यहाँ पर, ये अरीज है छोटू, ये सो रही है। और एक अम्मी का ये स्टोर रूम है, यहाँ पर अंधेरा है, ये अंधेरा है ना, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगी आपको। ये मेरी अम्मी का छोटा सा घर है, प्यारा सा घर है, जाहिर है।
वाला रोड। मेरी जो सिस्टर है ना, उनके शौहर हैं बस हुरी और अरीज के पापा, बस ये लोग फिर उनके साथ चले गए थे। और जब बच्चे गए तो थोड़ा सा हमने रिलैक्स किया और बच्चे वहाँ एंजॉय कर रहे थे। तो अब्दुल सुभान ने कहा था, मम्मा हम वहाँ जाएंगे, आप तो नहीं जा रही हो लेकिन हम थोड़ी सी वीडियो शूट करेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप लोग कर लेना, मैं आपके जो है वो यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँगी। और आज हो सकता है कि हम कल जो है, कल का दिन फ्राइडे को शायद मैं बच्चों को लेकर मैं भी थोड़ा सा बाहर निकलूं। अब देखें, पक्का नहीं पता, इरादा तो कर रहे हैं हम, अगर गई तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी बच्चों के साथ आउटिंग मेरी भी हो जाएगी, थोड़ा सा बच्चों के साथ मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। और गोलगप्पे बच्चे खा रहे थे और मुंह में पानी घर पर मेरे आ रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे गोलगप्पे। और बस ये आज की वीडियो थी जो बच्चों ने एंजॉय किया, और आपके साथ सुभान ने ये वीडियो बनाई थी अपने जो है वो अंकल के मोबाइल से, यानी मेरे बहनोई के मोबाइल से। तो अब्दुल सुभान ने आपके साथ शेयर कर दी। मेरे बच्चे आ गए, आ गए। क्या लेकर आए हो? किसके साथ गए थे? वालेकुम अस्सलाम। केक क्यों लेकर आए हो? हमें तो नहीं खाना था। किसके लिए लाए हो? अच्छा, किसके लिए? मजा आया? क्या किया आप लोगों ने? और बस आज की छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, और बच्चे जब इंजॉय करते हैं तो माँ का दिल बहुत खुश होता है, और मेरा दिल आज बहुत खुश था कि बच्चों ने टेंशन से हट कर थोड़ा सा इंजॉय किया, क्योंकि ईद का पहला दिन भी बहुत टेंशन ही थी, सब आ रहे थे, इद्रीस का अफसोस कर रहे थे, तो बच्चे जो है वो थोड़े से अपसेट थे। तो और ईद का दूसरा दिन भी सारा घर पे गुजरा बच्चों का, बच्चों की वो लोगों ने आना था लेकिन वो भी नहीं आए, वो शायद ईद के थर्ड डे आए हैं। तो थर्ड डे तो मैं अम्मी के घर आ गई थी। तो बस आज थोड़ी सी बच्चों की आउटिंग हुई, और बच्चे थोड़ा सा अपना जो है वो थोड़ी सी चीज़ों को भूल कर थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किया उन्होंने। तो माँ के लिए यही खुशियाँ होती हैं, माँ का जो है वो बस यही होता है कि उसके बच्चे खुश रहें, और माँ को अपनी फिक्र नहीं होती कि उसकी खुशी क्या है, उसे सबसे ज़्यादा यही फिक्र होती कि उसके बच्चों की खुशी क्या है। और जब मेरे बच्चे खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग बस मेरे बच्चों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को बहुत खुशियाँ नसीब करे, और कभी कोई परेशानी कोई गम इनको ना आए, और इनके डैडी की जो है अल्लाह पाक मगफरत फरमाए। उनकी शायद इतनी ही ज़िंदगी थी, और इस हकीकत को हमें मानना है, क्योंकि जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आगे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बस हमें आगे निकलना है, आगे जाना है, आगे जाने के लिए आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, और इसी तरह सपोर्ट करिएगा, और ईद को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। और अब तो खैर ईद ख़त्म हो गई, बस इसके बाद जो जो
काम की रूटीन्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सुबान पानी वो है बेटा। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि मेरे बहुत अच्छे से व्यूज़ आ सकें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।